हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें अपन ये देखेंगे कि आखिर एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है और मींस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस मींस एटीपी का सिंथेसिस नॉट ओनली इन द क्लोरोप्लास्ट, ऑल्सो अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी का सिंथेसिस जो होता है, इसमें लाइट एनर्जी का क्या इम्पोर्टेंस है और ये एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी का यूज होता है, आगे चल के डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले एटीपी सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। नाउ वी डिस्कस अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब इसमें देखो तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसको प्रपोज्ड किया पीटर माइकल, पीटर माइकल, MICHELI, पीटर माइकल ने इसको प्रपोज किया था। किसके लिए प्रपोज किया इस थ्योरी को? इस थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अपन देखें तो क्या है, एटीपी सिंथेसिस। और इसका जो बेस है, ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेस पे किसका सिंथेसिस, एटीपी का। प्रोटॉन ग्रेडियंट इसलिए प्रोड्यूस होता है जिससे कि एटीपी सिंथेसाइज हो। अब ये जो एटीपी सिंथेसिस है, इस एटीपी सिंथेसिस को देते हैं नाम क्या, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। फॉस्फोराइलेशन की दो साइड हैं, वन इज द इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये कहां पर होगा? ये होता है अकर इन थायरोकॉइड मेम्ब्रेन और ये होता है ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। दूसरा, इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन, moves from stroma into lumen of the thylakoid। इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन means हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ये moves from स्ट्रोमा कह सकते हैं या ल्यूमन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम ल्यूमन इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है उसके बीच में मूव करता है। थर्ड, यहां पर किस प्रोटॉन जो मूव है, जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड बाय मींस प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड बाय, इसके लिए जो एनर्जी है प्रोड्यूस्ड बाय लाइट एनर्जी, और यहां जो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड बाय
ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस बाय, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी आती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी से होता है। थोड़ा सा रफली यहां पे देख सकते हैं, जैसे ये थायरोकॉइड है, दिस वन इज द थायरोकॉइड, थायरोकॉइड की मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थायरोकॉइड, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन आयन, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से मूव करता है हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, ये हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ, मींस हाई लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इसमें एटीपी सिंथेसिस के लिए यहाँ मेम्ब्रेन पर F0F1 पार्टिकल, तो ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को अब इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन मूव्स फ्रॉम ल्यूमन इनटू स्ट्रोमा। इस स्टेप में ही क्या सिंथेसाइज होता है यहाँ पर एटीपी, इस स्टेप में एटीपी सिंथेसाइज होता है फ्रॉम एडीपी प्लस पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी, ये सिंथेसाइज हुआ। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन आयन मूव्स फ्रॉम ल्यूमन इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच का ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस में देखिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन यहां से यहां बढ़ता है, तो जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यहां पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, ये ETS, इस ETS के थ्रू ये हाइड्रोजन अगेन कम्स इन द ल्यूमन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर क्या सिंथेसाइज होते हैं, एटीपी। ओके, दिस इज अबाउट फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन के बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये होता कहां पर है, थायलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहां प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए एनर्जी कौन सी यूज होती है, लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है इन द ल्यूमन ऑफ द थायलेकॉइड। उसके बाद इस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो यहाँ पीएच लो हो जाएगी, इसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को पंप किया जाता है फ्रॉम ल्यूमन इनटू अगेन इन द स्ट्रोमा। देन इन सच स्टेप, इस स्टेप में अब ये जो मशीनरी है, दिस मशीनरी इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस मशीनरी, मीन्स यहाँ एक एंजाइम और पाया जाता है, ये एंजाइम, दिस एंजाइम इज कॉल्ड एटीपी सिंथेस एंजाइम। तो इस स्टेप इतने पोर्शन को नाम देते हैं, ये वाला अंदर की साइड में होता है F0 पार्टिकल, बाहर की साइड में होता है F1 पार्टिकल। तो F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ये बाहर पंप किया जाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन को, तो इस स्टेप में क्या प्रोड्यूस होता है, ATP। अब क्वेश्चन ये उठता है
कि इस थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन पे तो प्रेजेंट होते हैं क्या फोटोसिस्टम जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और फिर इस सिस्टम में PS1 PS2 से PS1 की ओर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या कैरी होता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है फ्रॉम PS2 टू PS1। तो वो स्टेप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वाले केस में अपन ने देखा था। अब आप देखिए इसी स्टेप को यदि अपन यहाँ पर देखें, मीन्स ये जो हीमोस्मोटिक थ्योरी है, फॉस्फोराइलेशन है, इस फॉस्फोराइलेशन को अब अपन यहाँ देखते हैं, तो देखिए इसमें ये जो प्रोसेस है थाइलेकोइटी मेम्ब्रेन का, ये किस टाइप से होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें देखो अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स देखिए ये मान लीजिए थाइलेकोइड, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर ल्यूमन, ठीक, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा बना दें। ओके, आप इसमें देखो कहाँ पर क्या स्टेप है, अपन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश की थी। अब देखिए ये थाइलेकोइड है, बाहर की साइड में स्ट्रोमा है, तो इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर अपन ने कहा था PS1 और PS2 प्रेजेंट होते हैं। PS1 प्रेजेंट होता है किस साइड में, आउटर साइड नॉन अप्रेस्ड, अंदर की साइड में PS2 प्रेजेंट होता है अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इमेजिन कीजिए कि ये मान लो अपना पहला फोटोसिस्टम, ये दूसरा फोटोसिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर, या बीच में देखिए बीच में यहाँ पर साइटोक्रोम सिस्टम है, ये मान लीजिए अपना साइटोक्रोम सिस्टम है यहाँ पर, दिस वन इज द साइटोक्रोम सिस्टम। ठीक है, ये साइटोक्रोम सिस्टम, साइटोक्रोम सिस्टम के बाद में दूसरा प्लास्टोसाइनिन, ये मान लीजिए प्लास्टोसाइन है, अंदर की साइड में पाया जाता है, दिस इज द पी सी मीन्स प्लास्टोसाइन। उसके बाद यहाँ पर ये PS2 है, ये सॉरी PS1, ये PS1। ओके, एनसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि अपन इसको देखें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आता है, PS2 PS1 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट फ्रॉम PS2 PS2 प्रेजेंट, ये PS2 इसका प्राइमरी एक्टिव सेंटर है क्लोरोफिल ए, ये अंदर की साइड में पाया जाता है मेम्ब्रेन में, बाहर की साइड में पाया जाता है PS2, और इसमें एक बात और आती है कि जो प्लास्टोकिनोन PQ ये पाया जा रहा बाहर की साइड में PQ, ठीक है, ये PQ है, ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाली यूनिट। अब इसमें क्या होता है, ये PS1 है, PS1 इसका जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर है ये होता है P680 और ये है PS2। PS2 ये है P680 इसका एक्टिव सेंटर एंड PS1,
ओके अब इसमें पाए जाते हैं साइटोक्रोम एफ एन बी सिक्स, साइटोक्रोम एफ एन बी सिक्स राइट। अब आप देखिए ल्यूमन है और इस ल्यूमन की इनर साइड यहां पर ये प्रेजेंट होती है वाटर स्प्लिटिंग यूनिट और इसी यूनिट को बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सी इवॉल्विंग सेंटर। और इसमें इसमें एक्चुअल में यहां पर ये देखिए ये अंदर की साइड में और ये बाहर की साइड में प्रोट्रूड होता है, इसमें चैनल पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप है, इसके अंदर चैनल है एंड दिस वन एफ जीरो एंड दिस वन एफ वन, ये स्ट्रक्चर पूरी मशीनरी। अब इसमें देखें सबसे पहले ये थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है, इसी मेम्ब्रेन पर एफ जीरो एफ वन पार्टिकल है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट, बाहर की साइड में स्ट्रोमा है। अब इस स्ट्रोमा में अब पहला स्टेप देखिए, प्रिंसिपल जो अपना है एटीपी सिंथेसिस ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो पहला स्टेप देखते हैं नंबर वन, इसमें स्टेप देखते हैं स्टेप ऑफ केमियोस्मोटिक हाइपोथीसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं अपन इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ऑफ केमी ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस के स्टेप्स क्या है। स्टेप में पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहला स्टेप देखिए। अब इस मशीनरी में कैसे डेवलप होता है, तो सबसे पहले देखिए ये स्ट्रोमा है, जिस पर ये स्ट्रोमा बाहर की साइड में स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये हाइड्रोजन आयन्स मीन्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में ये जो प्रोटॉन है देखिए आप सबसे पहले क्या होता है, ये जो फोटोसिस्टम है, इन फोटोसिस्टम का जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये सनलाइट। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी, यहां से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें नियर अबाउट 300 अदर पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट के थ्रू लाइट एब्जॉर्ब करके किसको दी जाती है, उसका जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर है क्लोरोफिल ए, और ये किस लाइट पर एक्टिव होता है, 680 नैनोमीटर की लाइट पर एक्टिव होता है। इसके लाइट के एक्टिव होने से देखिए क्या होगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर, इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर किसको जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा अपन जानते हैं PS2, तो PS2 में जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है वो देखिए किसको जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन को जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये अपन पहले देख चुके हैं। फियोफाइटिन के बाद फिर जाएगा किसको, फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेरिडॉक्सिन, देन साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम पहले F को जाएगा, फिर प्लास्टोक्विनोन को, फिर साइटोक्रोम B6 को, ये पहले देख चुके हैं। अब इसमें देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर प्लास्टोक्विनोन तक गया, तो प्लास्टोक्विनोन का जो फंक्शन है वो क्या है, प्लास्टोक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के साथ साथ में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो ये एक्चुअल में स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को ये एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में, और उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन को
ट्रांसफर कर देता है किस में, इन द ल्यूमन ऑफ थायरॉइड एंड अगेन बैक इनटू द पीक्यू, ये वापस पीक्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है, पीक्यू कन्वर्ट इनटू पीक्यूएस2 एंड हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर कर दिया गया, ल्यूमन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए पीक्यू मीन्स प्लास्टिक इन्होंने अपन जानते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, साइटोक्रोम मीन्स प्लास्टोकिनोन का जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्लास्टोकिनोन पीक्यू पीक्यू एट एस, पूरा लिख सकते हैं अपन पीक्यू एट एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन कैरी, इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसको, ये इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम सिस्टम। अब साइटोक्रोम सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आगे देखिए किसको जाता है, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन को, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्लास्टोसाइनिन इस मेम्ब्रेन पे इनर साइड की ओर प्रेजेंट होता है एंड प्लास्टोसाइनिन अब इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा पीएस वन को, ये पीएस वन को ट्रांसफर कर दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब पीएस वन से इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ये जो पीएस वन है ये मेम्ब्रेन पे आउटर साइड में होता है, पीएस वन से इलेक्ट्रॉन अब आगे अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा पीएस वन से नेक्स्ट आगे फेरिडॉक्सिन, अपन ने पहले भी देखा था फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब ये जो फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आ चुका है फेरिडॉक्सिन, अब जब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक में जाता है तो नॉन साइक्लिक में जाने के बाद में फेरिडॉक्सिन से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक एंजाइम, और ये एंजाइम यहां पर है फेरिडॉक्सिन एनएडी रिडक्टेज एंजाइम, एफ एन आर का मतलब लिख दीजिए फेरिडॉक्सिन एन ए डी पी रिडक्टेज एंजाइम। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन पर आउटर साइड में प्रेजेंट है टुवर्ड्स स्ट्रोमा। थ्योरी के कुछ पॉइंट आप समझ के अपने आप लिखें, एफ एन आर ये मैं सारा कंसेप्ट नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और इसको कनेक्ट कर सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से जिसे जेड स्कीम कहते हैं आर यू। तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द एंजाइम, अब ये एंजाइम जो था देखिए इस एंजाइम के एक्टिव होने से क्या होगा, ये एंजाइम एक्चुअल में ये देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है कि जो एन ए डी पी प्लस एच, और इससे बन जाएगा एन ए डी पी एच, ये एन ए डी पी एच इसको यहाँ पे देखिए एन ए डी पी एच का सिंथेसिस हुआ, ये रिलीजिंग पावर है। लाइट रिएक्शन का यूज कहाँ हुआ था, ये लाइट रिएक्शन जो थी वो लाइट का यूज अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन अभी पी एस टू से निकलकर पी एस तक गया और बाद में इलेक्ट्रॉन लौट कर नहीं आया, इसलिए नॉन साइक्लिक है। और इस स्टेप में इस एंजाइम के एक्टिव होने से अब यहाँ पर देखिए क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर एन ए डी पी एच, ये रिडीमिंग पावर, दिस इज रिडीमिंग, ठीक है, यह रिडीमिंग पावर प्रोड्यूस। अब देखिए दिक्कत क्या है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लो है, अब लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे अब यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट देखिए यहां पर इस प्लास्टोकिनोन ने ट्रांसफर कर दिया, दूसरी तरफ इस पीएस2 का इलेक्ट्रॉन निकल गया,
अब इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इस थैलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर बार्टे स्प्लिटिंग यूनिट है। ये बार्टे स्प्लिटिंग यूनिट क्या करती है, देखिए लाइटेक्शन में होता ही क्या था, ऑक्सीडेशन मतलब बार्टा। तो यहां पर H2O का रिडक्शन होगा, स्पेशली अपन वन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2H2O, ये बात अपन पहले देख चुके हैं। ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल यदि रिलीज होता है तो उसके लिए 2S2 स्प्लिट होते हैं, और इन 2S2O के स्प्लिट होने से 3ATP एंड 2NADPH बनता है। 2S2O की बात करें तो अपन लिख सकते हैं यहां पर कि ये जो है ये दो बनेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, NADPH के टू मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। यदि अपन बन की बात कर रहे हैं तो ठीक है। दूसरा, अब मेन पोर्शन पे आते हैं। देखिए तो सबसे पहले अपना स्टेप क्या, स्टेप अंदर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट में सबसे पहले बात आती है, इसमें एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी यूटिलाइज, एनर्जी यूटिलाइज फ्रॉम कहाँ से, ये सनलाइट एनर्जी, ये सनलाइट एनर्जी का यूज होता है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इसी में ही ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप का होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मींस प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप डेवलप अक्रॉस अक्रॉस थैलेकोइड मेम्ब्रेन इन ल्यूमन, ल्यूमन में डेवलप होता है, ल्यूमन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आ रहा है। देखिए एक तो जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोकिनोन से ट्रांसफर हुआ था तब इस प्लास्टोकिनोन ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को किसमें पंप कर दिया था, इन द ल्यूमन। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाटर स्प्लिट हुआ। तो देखिए वाटर स्प्लिट होने से क्या बनेगा, वाटर स्प्लिट जब होगा तो इससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वैसे तो फोर इलेक्ट्रॉन है अपन, और उसके बाद फोर लिख सकते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा स्प्लिट होने से 4H, और यहाँ पर स्प्लिट होने से ऑक्सीजन रिलीज होगी इन द ल्यूमन, ऑक्सीजन रिलीज इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेकोइड, ये बात स्प्लिट हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो PS2 होता है यहाँ पर मैग्नीज आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को किसे ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ टू द PS2, ये वाला इलेक्ट्रॉन PS2 को ट्रांसफर हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस PS2 को, तो इस तरह से इस PS2 के लिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई किसके स्प्लिट होने से होती है, वाटर, वाटर स्प्लिट होता रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई होता रहता है टू द PS2, फर्स्ट टाइम जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए क्या स्प्लिट होता है, वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, लाइट रिएक्शन में यही स्टेप हुआ था, क्योंकि वाटर और होता कहाँ पर है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की इनर साइड है टुवर्ड द ल्यूमन साइड, इस ल्यूमन साइड पे वाटर स्प्लिटिंग यूनिट है जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, OEC सेंटर भी बोलते हैं इसको। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इधर वाटर स्प्लिट होता रहता है तो इधर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, फ्रॉम द स्ट्रोमा। अब देखिए धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, ये हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, इसके हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत बढ़ गई। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट अब कहां पैदा हो गया, इन द ल्यूमन, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब
अपन जानते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, देखिए कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर इस न्यूमन में पीएच डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही पीएच डिक्रीज होगा। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाए। अब हाइड्रोजन आयन को पंप किया जाता यहां से F0F1 पार्टिकल, F0 होता है न्यूमन की तरफ, मींस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और प्रोट्रूड बाहर की तरफ निकला होता है कौन, F0 पार्टिकल। तो जब हाइड्रोजन आयन यहां से, देखिए ये हाइड्रोजन आयन पंप हुआ, हाइड्रोजन आयन यहां पर पंप हो रहा है, जब हाइड्रोजन आयन पंप होगा तो यहां पर देखिए क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है एटीपी सिंथेस से एटीपी सिंथेस एंजाइम, दिस इज द एटीपी सिंथेस एंजाइम, और ये एंजाइम के थ्रू अब क्या होगा, जो एडीपी है और इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कंबाइन होकर इस स्टेप में बनेगा एटीपी। एटीपी का बनना ही क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, ये एटीपी रिलीज हुआ, एटीपी सिंथेसिस हो गया। अपना स्टेप ही यही था कि एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है ऑन बेसिस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप्ड किया जाता है हायर कंसंट्रेशन इन द ल्यूमन, और इस ल्यूमन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी है, ये एनर्जी कौन सी होती है, सनलाइट एनर्जी। देखिए सनलाइट एनर्जी है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको पूरा करने के लिए वाटर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होगा तो एक तरफ इसमें हाइड्रोजन आयन वाटर से रिलीज हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था तब प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को ला दिया, इस वजह से ल्यूमन में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ल्यूमन फट सकती है जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अपन देखते हैं इसमें गैस ज़्यादा हो जाए तो देखा सीटी लगी होती है ऊपर, वो सीटी खुल जाती है पर से प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर सीटी कौन सी है, F0F1 पार्टिकल। इस F0F1 पार्टिकल को इसे बोलते हैं एटीपी मशीनरी, एटीपी मशीनरी है, एटीपी को सिंथेसाइज करने वाली मशीनरी है। तो पहला स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडिएंट, इसके लिए एनर्जी कौन सी यूज होती है, सनलाइट। प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमन डेवलप हुआ, मतलब यहाँ पर हो क्या गया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब इस हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए मीन्स दूसरा स्टेप जो है वो देखिए क्या है, सेकेंड स्टेप अपना यहाँ पर है, स्टेप नंबर बी है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस इसका है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा, एटीपी सिंथेसिस में अपन ने कहा कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया इन ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मींस प्रोटॉन, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट आई है, प्रोटॉन पंप्ड पंप्ड बाय F0 पार्टिकल, इसी को बोलते हैं एटीपी सिंथेसिस मशीनरी, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस मशीनरी है। और इसमें हो क्या रहा, हाइड्रोजन पंप्ड बाय F0F1 पार्टिकल फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम ल्यूमन, और इस ल्यूमन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाई है, फ्रॉम ल्यूमन इनटू लो कंसंट्रेशन इन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में अब हाइड्रोजन आयन बाहर आ गया, देखिए
from higher concentration to its lower concentration, this is gradient, proton gradient. Hydrogen ion, अब ये जो बाहर आया है देखिए, ये हाइड्रोजन आयन ही एक्चुअल में ये वाला हाइड्रोजन आयन है. हाइड्रोजन आयन यहां से निकलकर ये जो स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा में जा रहा है, मींस ये स्ट्रोमा में पहुंचा. और इस स्ट्रोमा में देखिए मेम्ब्रेन के आउटर साइड में क्या है, ये जो एफएमएनआर को ही क्या और नाम देते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम. ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है. इस एंजाइम के थ्रू रिडक्शन हुआ एनएडीपी का. और इसके लिए हाइड्रोजन कहाँ से आया, फ्रॉम ल्यूमन इनटू स्ट्रोमा. इसी दौरान क्या बने थे, एटीपी. अब ये एच था, इसे कंबाइन बाई एंजाइम की प्रेजेंस में और क्या सिंथेसाइज हुआ, एनएडीपीएच. और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर. ये रिड्यूसिंग पावर भी बन गई यहाँ पर. इस रिड्यूसिंग पावर का यूज कहाँ होना है, इन द डार्क रिएक्शन फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल. वो अगला स्टेप है. तो पहले स्टेप में अपन ने पूरा क्लियर कर लिया एटीपी सिंथेसिस. देखिए पूरी स्टेप वाइज बात करते हैं अपन. तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बन सकते हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, पहले क्वेश्चन में दिया गया प्रोटॉन हाइड्रोजन पम्प्ड बाई F0 F1 पार्टिकल. बोलो आंसर क्या आएगा इसका. आंसर अपने आप बताइए इसे. आंसर आप पर छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेट, हाइड्रोजन मूव्स, हाइड्रोजन पंप बाय F0 F1 पार्टिकल. आंसर क्या आएगा, फ्रॉम ल्यूमन इनटू स्ट्रोमा. दूसरा क्वेश्चन मींस यहां से हाइड्रोजन कहाँ होंगे, फ्रॉम, आंसर आएगा फ्रॉम ल्यूमन इनटू स्ट्रोमा. और ऐसा करने से ही क्या सिंथेसाइज हुए, इससे अपने को एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या है. एडवांटेज ये है कि एक तो एटीपी सिंथेसिस हुआ फॉर एटीपी सिंथेसिस, ठीक. दूसरा एक और फायदा हुआ, दूसरा फायदा हुआ यहाँ पर पीएच मेंटेन हो गई किसके अंदर, ल्यूमन में, ठीक. दो बातें यहाँ पर, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन कर दिया गया. दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐसी कौन सी प्रोटीन जो हाइड्रोजन को कैरी करती है. बेसिकली इसका मेन फंक्शन है कैरी द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को कैरी करती है From stroma into lumen. तो अगला क्वेश्चन है प्रोटीन विच कैरी द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा इंटू ल्यूमन और थायलेकोइड. तो बोलिए दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर क्या आना चाहिए. अब आंसर में वो कुछ भी दे सकता है, आंसर में वो कुछ भी दे सकता है. ऑप्शन वाइज वो दे सकता है पीसी, दे सकता है प्लास्टोक्विनोन, दे सकता है फेरोडॉक्सिन, दे सकता है. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्लास्टोक्विनोन. वेरी सिंपल. अब आप देखिए इस पूरे स्टेप में हुआ क्या था. दिस इज केमियोस्मोटिक थ्योरी. केमियोस्मोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाई द बोलो आंसर दो फटाफट, इसमें क्या आंसर आना चाहिए. प्रपोज्ड बाई द पीटर माइकल. ये थ्योरी किस लिए दी गई थी, इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें एटीपी सिंथेसाइज होता है, और एटीपी सिंथेसाइज जो होता है उसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. अब एटीपी सिंथेसिस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. ये फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. क्लोरोप्लास्ट में किसके अंदर होता है, थायलेकोइड के अंदर है. थायलेकोइड की ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन,
ऑफ थाइलेकॉइड, ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। दूसरा ये क्या है, ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, दिस वन इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में क्या पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम सेकंड अंदर की ओर पाया जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट इस मेम्ब्रेन पे बाहर की ओर पाया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट से सेकंड तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ये नॉन साइक्लिक में चला जाता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या स्प्लिट होता है, वाटर। वाटर को, वाटर स्प्लिटिंग के लिए क्या यूज हो रही है, सनलाइट। इसमें ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस कौन सी होती है, रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वहां पर रिड्यूसिंग पावर यूज होगी, समझ रहे हैं। तो ये जो स्टेप, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में बेसिकली प्रोटॉन का ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया जा रहा है इस लाइट एनर्जी द्वारा। अब इस लाइट एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, वो अपन को मालूम है, वाटर स्प्लिट होता है, इस वजह से हाइड्रोजन बढ़ता है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो प्लास्टोकिनोन अंदर डालता है फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू ल्यूमन। ल्यूमन फट सकती है, इसके अंदर कंसंट्रेशन एच का बढ़ता है तो पीएच कम होती है, इसको मेंटेन करने के लिए अब जीरो एबन पार्टिकल है। जैसे ही बाहर आता है हाइड्रोजन पंप किया जाता है तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिव होकर के एटीपी सिंथेसाइज करता है, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा में आता है, इस मेम्ब्रेन में बाहर की साइड में एनएडी रिडक्टिव एंजाइम है, तो एनएडीएस से मिलकर फिर से बनाता है एनएडीपीएच, दिस इज द रिड्यूसिंग पावर। तो वेरी सिंपल ये जो प्रोसेस है, केमियोस्मोटिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो इस थ्योरी को अपन ने क्लियरली समझ लिया, ये थ्योरी बहुत सिंपल है, इसमें अपन को कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें तो देखेंगे आप इसमें बहुत कुछ मिलेगा और बहुत शॉर्ट में बहुत सारा मिल जाएगा। ओके।